Hello everyone, I welcome you to my reading and explanation video. My name is Rizwan. In this video, we will continue chapter 2. We are not afraid to die if we can all be together. Today, I will read and explain part 2 of this chapter. हमने इससे पहले वीडियो में पार्ट 1 पढ़ा था और समझा था कि इस स्टोरी का जो नरेटर है वो अपनी वाइफ मैरी, अपने बेटे जोनाथन और अपनी एक बेटी सुसेन के साथ राउंड द वर्ल्ड जर्नी प्लान करते हैं, जैसा कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। इस सफर के लिए उनके पास एक बोट है जिसका नाम वेव वॉकर है और वो खुद भी ट्रेन करते हैं अपने आप को ताकि वो समुद्र में आने वाली किसी भी मुसीबत का सामना कर सके। तो अपना सफर शुरू करते हैं। अपने सफर का जो पहला हिस्सा है जिसमें वो 105,000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं वो आसानी से गुजर जाता है, ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती। इसके बाद उनकी टीम में दो लोग और शामिल होते हैं, एक लैरी विजल और दूसरे हर्ब सीजलर, ताकि आगे आने वाली समुद्र में जो मुसीबतें होंगी, क्योंकि जो आगे समुद्र है वो थोड़ा मुश्किल है, उसमें वो एज ए टीम एक दूसरे की हेल्प कर सके। अब आगे सफर में उन्हें समुद्री लहरों का सामना करना पड़ता है और 2 जनवरी की सुबह एक बहुत बड़ी लहर उनकी बोट से टकराती है जिससे बोट का जो आगे का हिस्सा है उसमें बहुत नुकसान पहुंचता है, पानी अंदर भरने लगता है और लगभग बोट डूब गई होती है। लेकिन लकली एक दूसरी लहर के टकराने से बोट सीधी हो जाती है और ऑथर को और जो बाकी लोग हैं उनको भी इंजरीज आती हैं। अब वो मिलकर इस मुसीबत से बच रहे हैं। देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है, कैसे वो इस मुसीबत से बाहर आते हैं। लेट्स सी। सो नाउ आई विल रीड पार्ट 2। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 January की सुबह तक जो पंप से पानी निकाल रहे थे उन्होंने इतना काम कर दिया था कि सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में थी और हम 2 घंटे तक बारी बारी से रेस्ट कर सकते थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line and on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा लीक था कहीं वाटर लाइन से नीचे और चेक करने पे मैंने पाया कि जो बोट्स के मेन रिब फ्रेम था, मेन फ्रेम था, वो टूट कर कील तक पहुंच गया था। मतलब कील मीन्स द मेन शाफ्ट जिस पर पूरे शिप का शेप बना होता है, द मेन शाफ्ट वहां तक नुकसान पहुंच चुका था। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. बल्कि हाल तो ये था कि starboard hull जो आगे का main part होता है boat का बड़ा part, वो भी कुछ अलमारियों के partition की वजह से रुका हुआ था। इसका मतलब boat की situation बहुत खराब थी, wave ने बहुत नुकसान पहुंचाया था boat को। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. 15 घंटों तक तो हमने survive कर लिया, लेकिन wave walker की condition देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इतनी देर तक नहीं टिक पाएगी कि हम Australia तक का सफर पूरा कर सकें। I checked out charts and calculated that there were 2 small islands a few 100 kilometers to the east. मैंने charts check किए और फिर ये अंदाजा लगाया कि कुछ किलोमीटर्स दूरी पर 2 आइलैंड हैं ईस्ट की डायरेक्शन में। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस और उनमें से एक टापू का नाम था आइल एम्स्टर्डम जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। यहां पर ये एक्सप्रेशन आया पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, इसका मतलब है बहुत बड़े चीज में बहुत छोटी चीज को पिन प्रिक्स बोलेंगे। तो उस बड़े समुद्र में वो छोटे छोटे से जो 2 टापू है वहां तक पहुंचने की सिर्फ उनकी उम्मीद है। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। और जब तक ये समुद्र का जो तूफान है और समुद्र है ये थोड़ा कम ना पड़ जाए, मतलब इनकी जो इंटेंसिटी है अबेटेड मीन्स कम हो जाए, घट जाए, तब तक हम अपनी सफर शुरू नहीं कर सकते और हमारे चांसेस बहुत कम हैं सर्वाइवल के। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन और वो जो बहुत बड़ी लहर टकराई थी हमारे जो हेल्पिंग इंजन थे उनको भी खराब कर दिया था।
तो सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक है। वो लोग वेव्स की वजह से बहुत नुकसान झेल चुके हैं, चोट भी लगी हुई है और फंसे हुए हैं और उम्मीद कम है क्योंकि उनकी बोट की सिचुएशन ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो बोट ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेट्स सी आगे क्या होता है। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस पंपिंग वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। और जनवरी 4 तक, 4 जनवरी तक वो पंप करते रहे, 36 घंटों तक उन्होंने पंपिंग की मिलकर, और वो इतना पानी बाहर पंप आउट कर चुके थे कि अब सिर्फ बोट में कुछ ही सेंटीमीटर पानी बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब बस उन्हें ये काम करना था कि जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही वो बाहर निकालते रहे। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। और जो मेन पोल होता है, वर्टिकल पोल होता है जिस पर वो जिब लगाकर सफर को स्टार्ट करते हैं नाव की, उस पर वो नहीं कर सकते थे क्योंकि सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। क्योंकि अगर रस्सियों पर प्रेशर पड़ा तो हो सकता है जो आगे का हिस्सा, स्टारबोर्ड हल जो था, वो जो अलमारियों की पार्टीशन की वजह से रुका हुआ था, हो सकता है वो टूट जाए। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो समुद्री तूफान के जो पाल है उनको इस्तेमाल किया और उस डायरेक्शन में निकल पड़े जिधर उन्हें लगता था कि आइलैंड्स हैं। मैरी फाउंड सम कोल्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज। जो ऑथर की वाइफ है मैरी ने कोल्ड बीफ का इंतजाम किया, एक नॉनवेज फूड, और कुछ बिस्किट्स ढूंढे और कहीं जाकर 2 दिनों में उन्होंने अपना पहला खाना खाया। तो यू कैन सी हाउ स्ट्रगलिंग द सिचुएशन इज। कितनी हालत खराब है कि 2 दिन तक वो सिर्फ वाटर पंपिंग कर रहे हैं, बोट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और खाना भी उन्हें अब मिला। बट आर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। थोड़ी देर के लिए ही हमें वो रिस्पाइट मिला। रिस्पाइट मीन्स सुकून का समय जब हमने खाना खाया, क्योंकि उसके बाद फिर से सिचुएशन बिगड़ी। At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. 4 बजे शाम के काले घने बादल फिर से आ गए हमारे पीछे और जो तूफान था उसकी स्पीड भी 40 knots तक बढ़ गई और समुद्र की लहरें भी ऊंची हो गई। The weather continued to deteriorate throughout the night and by dawn on January 5, our situation was again desperate. और जो मौसम था वो बिगड़ता जा रहा था पूरी रात। Deteriorate का मतलब है खराब होना और हालत बिगड़ना। और 5 जनवरी की सुबह तक हमारी सिचुएशन बहुत बेहाल हो गई थी। Desperate means with less hope, कम उम्मीद वाली। When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? I tried to assure him that we could make it. But Daddy, he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together. You and Mommy, Sue and I. Now this is very emotional and inspirational setup, जहाँ पर author बच्चों से मिलता है और उसका बेटा Jonathan उससे एक सवाल पूछता है कि Daddy, क्या हम मरने वाले हैं? अब ये सवाल सुनकर जो ऑथर है वो बहुत कोशिश करता है उसे समझाने की अपने तरह से, लेकिन वो बच्चा सब जानता है और वो कहता है, डैडी अगर हम सब साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। तो इफ़ यू फील इट, अगर आप महसूस करेंगे तो एक 8 साल का बच्चा कितनी मोटिवेटिंग, कितनी इंस्पायरिंग लाइन बोल रहा है। तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत इमोशनल है और उसने ये एश्योरेंस दिया कि अगर हम साथ हैं तो कोई बात नहीं, हम सब इकट्ठे मरेंगे और वी आर नॉट अफ्रेड, और हमें डर मरने से डर नहीं लगता। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटर्मिंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। अब मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं कि मैं क्या बोलूं अपने बेटे को। तो क्या करता है ऑथर, वो चिल्ड्रन का केबिन से निकलते हुए ये इरादा करता है कि अब जो भी मेरे पास है मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा इस समुद्र से। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to. With the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and
222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। अब जो स्टारबोर्ड साइड है नाव की, जो टूटी हुए पार्ट है, उसको बचाने के लिए एक टेक्निक अपनाई ऑथर ने, और इस टेक्निक को बोलते हैं हीव टू। एक स्किल है, ये एक तरीका है नाव को चलाने का जब ऐसी सिचुएशन होती है। इसमें क्या होता है, जो टूटा हुआ पार्ट है उसे समुद्र की लहरों से डायरेक्ट या तूफान से बचाया जाता है। तो उसने टेक्निक अपनानी शुरू की, उसमें कुछ एंकर यूज किए, और जो 22 लीटर की प्लास्टिक बैरल थी, पैराफिन होता है वैक्स, जिसे मोमबत्ती बनाए थे, मोम की जो बोतल्स हैं भरी हुई हैं, उनको एज ए एंकर यूज किया ताकि नाव को प्रॉपर डायरेक्शन दे सके और जो टूटा हुआ पार्ट है नाव का उसे बचा सके। इस टेक्निक को बोलते हैं हीव टू। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप brought more and more water in through the broken planks, we both felt the end was very near. उस शाम मैरी और मैं, मतलब ऑथर, दोनों हाथ में हाथ पकड़े हुए बैठे रहे, क्योंकि जैसे जैसे शिप आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे पानी उसमें टूटे हुए तख्तों, प्लैंक का मतलब है टूटा हुआ जो पार्ट है, उसमें से भर रहा था। और उन्हें ये लगभग तय हो गया था, और उन्हें ये महसूस हो रहा था कि अब अंत समय बहुत करीब है और वो बचेंगे नहीं। बट वे वोकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। लेकिन वे वोकर उस तूफान से निकल गया, और जनवरी की सुबह जब तूफान थोड़ा हल्का पड़ा, ईजिंग मीन्स हल्का पड़ा, मैंने सेक्सटेंट, एक कॉम्पस होता है एक, जहां पर वो डायरेक्शंस देखते हैं, उस पर जाकर देखने की कोशिश की कि किस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। और चार्ट रूम में जाके मैंने विंड स्पीड को चेक किया, डायरेक्शंस को चेंज किया, और जो भी मैं कैलकुलेट कर सकता था अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए वो किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। और मैं सबसे अच्छा ये कर पाया, ये समझ पाया कि हम लोग एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढने में हम लोग कहीं 150,000 किलोमीटर ओशन के बीच में है। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. और जब मैं ये सोच रहा था, सू दर्द से चलती हुई मेरे पास आई। उसके हेड के लेफ्ट हैंड साइड पर स्वेलिंग आई हुई थी और उसकी आंख जो काली पड़ चुकी थी सुकड़ कर उसमें सलवटे आ गई थी। उसने मुझे अपने हाथ से बना हुआ एक कार्ड दिया। On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words. और कार्ड के फ्रंट पर उसने ड्राइंग बनाई। Caricatures means drawing. मेरी और मैरी की ड्राइंग बनाई, और उस पर ये लिखा है, Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well. Inside was a message. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow, we had to make it. और उस पर ये मैसेज लिखा था कि ये कुछ हंसाने वाले लोग हैं, फनी पीपल हैं, क्या इन्होंने तुम्हें हंसाया है? मुझे तो बहुत हंसाया है। और अंदर ये मैसेज लिखा था कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ दोनों को, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ दोनों को, और ये कार्ड आपको थैंक यू बोलने के लिए हैं, और बेस्ट की होप करते हैं, सब कुछ अच्छा ही होगा, और कैसे भी करके अब हमें सफल होना ही था। छोटे से इमोशनल सीन जहाँ पे सुसेन, जो छोटी बेटी, अपने पापा को एक अपने हाथ से बना हुआ कार्ड देती है। आगे बढ़ते हैं। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कॉम्पस एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। मैंने बार बार अपने कैलकुलेशंस को चेक किया कि क्या हम सही जा रहे हैं। हमने अपना जो मेन कॉम्पस था वो खो दिया था जब लहर टकराई थी बोट से, और अब मैं एक स्पेयर कॉम्पस यूज कर रहा था जो एक्स्ट्रा कॉम्पस था, लेकिन उसका मैग्नेटिक वेरिएशन ठीक नहीं था। इसका मतलब उसके डायरेक्शन बताने पर हम पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू
दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। इसीलिए मैंने उस बात से सहमति जताई कि ठीक है, इसका मैग्नेटिक वेरिएशन काम नहीं कर रहा। इसके साथ साथ मैंने जो समुद्र की लहरें थी उनसे अंदाजा लगाया और अपना अनुमान लगाना शुरू किया। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 degrees। इफ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। और मैं 2 बजे डेक पर गया और मैंने लैरी को कहा कि जो व्हील है, जो स्टीयर है जिससे हम डायरेक्शन लेते हैं बोट की, उसको 185 degrees की तरफ कर लो। और मैं ज़्यादा कन्विंस नहीं था अपनी बात पे, फिर भी मैंने कहा अगर हम खुशकिस्मत हुए तो मुझे उम्मीद है कि शाम के 5 बजे तक हमें कोई ना कोई आइलैंड ज़रूर नज़र आ जाएगा। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ब ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। और बहुत ही भारी दिल से, क्योंकि बहुत उम्मीद नहीं थी बचने की कि हम लोग आइलैंड पे पहुंच पाएंगे, मैं नीचे गया और मैं अपनी बंक पर, जहां पर लेट जाते हैं, बर्थ की तरह एक जगह होती है, और मुझे अचानक से नींद आ गई, बहुत अच्छी सी नींद आ गई। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क। जब मेरी आँख खुली, जब मैं जागा तो 6 बज चुके थे और अंधेरा हो गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। और मुझे ये पता लग गया था कि शायद हम आइलैंड को मिस कर दिया हमने और अब जो आने वाला तूफान है उसको हम शायद सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एट दैट मोमेंट अ टॉसल हेड अपीयर्ड बाय माय बंक। और तभी एक बिखरे हुए बालों वाला, उलझे हुए बालों वाला जो सर था वो मेरे बंक तक आया। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, सू वॉज राइट बिहाइंड हिम। और वो जोनाथन था और उसने अपने डैडी से कहा, डैडी क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? और ठीक उसके पीछे उसकी बेटी भी खड़ी थी, सू। Why am I getting a hug now? I asked. तो ऑथर ने पूछा कि अब मुझे हग क्यों मिल रहा है? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. तो मेरे बेटे ने मुझे जवाब दिया, क्योंकि डैडी आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं और सबसे अच्छे कैप्टन भी हैं। Not today, John, I'm afraid. और वो कहते हैं नहीं, आज नहीं हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डैडी को ये लग रहा था कि उन्होंने शायद आइलैंड मिस कर दिया और वो बचेंगे नहीं। Why you must be, said Sue in a matter-of-fact voice. You found the island. What? I shouted. तो उसकी बेटी पीछे से बोलते, क्यों? आपको तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए वर्ल्ड के बेस्ट फादर की तरह, क्योंकि सच तो ये है कि आपने आइलैंड ढूंढ दिया है। और ये सुनकर मैं चिल्लाया, What? क्या? It is out there in front of us, they chorused. As big as a battleship. और वो कहते हैं, देखो ठीक हमारे सामने वो आइलैंड है, इतना बड़ा है जैसे कोई युद्ध पोत हो, कोई बैटलशिप हो। इकट्ठा बोले वो इस बात को, कोरेस्ट मीन्स इकट्ठा बोले। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम। और मैं सीधा डेक पर गया दौड़कर और मैंने बहुत सुकून से देखा, गेज मतलब देखा, टकटकी लगा के देखा सुकून से, वो जो साफ दिखाई देने वाली आउटलाइन थी उस आइलैंड की। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विथ लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। और ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा था एक वॉल्केनिक रॉक का, वो जो आइलैंड था वो पथरीली जगह थी, एक छोटा सा हिस्सा था जिसपे बहुत ही कम वेजिटेशन होता है, वनस्पति, घास फूस, पेड़ पौधे, ये बहुत कम थे। और ये दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था। We anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. हमने पूरी रात में लंगर डाल के रखा, मतलब अपनी नाव को ठहराए रखा, और अगली सुबह जो 28 inhabitants थे उस टापू के, उस island के, उन्होंने बहुत खुशी से हमारी मदद की किनारे तक आने में। तो it was a wonderful moment. अब उन्हें लग रहा था कि wow, फाइनली वो सर्वाइव कर गए और उन्होंने टापू ढूंढ लिया। विथ लैंड अंडर माई फीट अगैन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। तो जैसे ही मेरे पाँव के नीचे जमीन आई, मेरे ख्यालों में सिर्फ लैरी और हर्बी थे
जो कितने चीयरफुल और आशावादी रहे ऐसी सीरियस स्ट्रेस में भी, डायरेस्ट मतलब वेरी सीरियस स्ट्रेस। और मैं मैरी के बारे में सोच रहा था जो उस क्रूशल टाइम पर जब बहुत ज़रूरत थी हमें वो व्हील पर ही डटी रही। और सबसे ज़्यादा मुझे याद आ रही थी, ख्याल आ रहा था, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी। और मुझे याद आ रहा था, ख्याल आ रहे थे अपनी 7 साल की लड़की के बारे में जो अपनी हेड इंजरी को लेकर हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जो कि बाद में जब वो सफ़र पूरा हो गया था तो उसका ऑपरेशन करना पड़ा, 6 बार ऑपरेशन करना पड़ा। मतलब सुसेन की जो हेड इंजरी थी वो वाकई बहुत सीरियस थी। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। और मैं एक 6 साल के लड़के के बारे में सोच रहा था जिसे मरने से डर नहीं लग रहा था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ अ फैमिली जो राउंड द वर्ल्ड वॉयज प्लान करते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई रियली लव्ड रीडिंग दिस स्टोरी एंड एक्सप्लेनिंग यू ऑल। कीप फॉलोइंग माई चैनल एंड काइंडली सब्सक्राइब इट। आई विल बी अपलोडिंग वीडियोज for next chapter soon. Thank you so much. Have a good time. Bye-bye.